बच्चों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं यह है महासागरीय जल का संचरण। जल का संचरण, संचरण शब्द क्या है? संचरण का तात्पर्य है जल में होने वाली गति। आप देख रहे हैं बच्चों, पानी जो है ये निरंतर तट से टकरा करके जा रहा है, यानी जल स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। ये जो जल की गतिशीलता है ये महासागर का एक स्वरूप है, एक प्रक्रिया है, और ये बाह्य शक्तियाँ इस गतिशीलता को सक्रिय करती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और हवा, ये बल जो हैं ये जल में निरंतर गति उत्पन्न कर रहे हैं। वैसे भी आपने महासागरों का जब अध्ययन किया था तो ये देखा था कि महासागर की कई प्रॉपर्टीज़ होती, कई विशेषताएं होती है। जैसे भौतिक विशेषता हम देखते हैं तो महासागर के तापमान में भिन्नता है, इसकी रासायनिक विशेषता देखते हैं तो महासागर की लवण में भिन्नता है, वैसे ही ये जो जल के संचलन की प्रक्रिया है ये भी संपूर्ण महासागर में एक जैसी नहीं है बल्कि इसमें भी पर्याप्त भिन्नता है। ये जो भिन्नताओं के कारण जल में जो संचलन की प्रक्रिया हो रही है ये प्रक्रिया सामान्य रूप से लहरें, जल धाराएं एवं ज्वार भाटा के रूप में हमें परिलक्षित होती है। बच्चों, इसके पहले हमने बताया था कि जो सागरीय संचलन या गतियां होती है ये दो प्रकार की होती है, एक क्षैतिजिक और दूसरी ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। तो ये जो लहरें और जो जलधाराएं हैं ये क्षैतिजिक यानी हॉरिजेंटल गतियां है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, और जो ज्वार भाटा होता है ये ऊर्ध्वाधर मूवमेंट, इसको हम कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम इनको अलग अलग इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लहरें। लहरें क्या है? आपने जैसा भी देखा कि धरातल से पानी टकरा करके वापस जा रहा है, ये लहर नुमा आकृति में आ रहा है, इसको हम लहरें कहते हैं। लहरें सामान्य रूप से जब हवा महासागर के जल की सतह को रगड़ती हुई चलती है तो उसके घर्षण के कारण लहरों की उत्पत्ति होती है। लहरें सामान्य रूप से जल के दोलन के संचरण का रूप है, और इस रूप में जब विरूपण होने लगता है तो लहरें उत्पन्न होती है। लहरें सामान्यतः हवा के दबाव से ही उत्पन्न होती, जिस दिशा में हवा चल रही है उसके विपरीत दिशा में लहरें उत्पन्न होती है। लहरों में प्रत्येक जल कण गोल गोल ऐसे गोलाकार पथ में घूमते हुए आगे की ओर बढ़ता है और तट की तरफ आकर के तट से टकराता है। तो इस प्रकार से लहरों में मुख्य रूप से हवा ही महत्वपूर्ण कारक होता है। आइए पहले हम लहरों के कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझ लें। सबसे पहला है क्रेस्ट। क्रेस्ट, लहरें जब ऊपर उठती हैं तो ये ऊपर उठा हुआ भाग क्रेस्ट या शिखर कहलाता है। इसका नीचे धसा हुआ जो भाग है इसको हम गर्त या ट्रफ कहते हैं। इस प्रकार से दो शिखर के बीच की जो दूरी है इसको
लहरों की लंबाई या तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है, वेवलेंथ इसको कहते हैं। जो लहरें अधःस्थल से, इसका जो शिखर होता है इसकी ऊंचाई को लहरों की ऊंचाई कहा जाता है। लहरें जिस किसी बिंदु पर एक सेकंड में कितनी बार उस बिंदु पर आ रही हैं वो लहरों की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इस प्रकार से लहरों को जानने के लिए ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं और इन शब्दों के आधार पर हम लहरों को समझ सकते हैं। लहरें क्यों उत्पन्न होती है? महासागरों में लहरों की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। जैसे सबसे पहला है वायुमंडल में हवाओं का परिसंचरण। हवाएं जब प्रवाहित हो रही हैं तो इससे लहरों की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो कारण है, विभिन्न घनत्व वाला जो जल है, ये जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है और इससे भी लहरों का निर्माण होता है। तीसरा जो कारण है, महासागर में विभिन्न तापमान, ये जल का तापमान भी होता है और वायुमंडल का तापमान भी होता है। इस तापमान के कारण सामान्य रूप से जल विभिन्न दिशाओं की ओर प्रवाहित होता है और इससे भी लहरों का निर्माण होता है। चौथा जो कारण है, कभी कभी कुछ विवर्तनिक या टेक्टोनिक जो क्रियाएं होती है महासागरों के भीतर में या तटों के आसपास, जैसे वलन है, भ्रंशन है, इससे भी लहरों की उत्पत्ति होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि महासागरीय भागों में भूकंप आता है और भूकंप आने से बड़ी भयानक सुनामी जैसे लहरों की उत्पत्ति होती है। कई बार ज्वालामुखी विस्फोट महासागरों के अंदर या तटीय क्षेत्र में जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे भी बड़ी भयानक लहरों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा ज्वारभाटा आता है तो ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है। कभी कभी महासागरों में तूफान आते हैं, बड़े बड़े तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, शीतोष्णकटिबंधीय तूफान, ये तूफान भी लहरों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार से मानवीय क्रिया भी लहरों की सक्रियता में सहायक होती है। ये कैसे? जैसे बड़े बड़े जलयान देखिए चल रहे हैं तो जलयान के घर्षण से भी लहरें उत्पन्न हो रही है, या फिर जब परमाणु परीक्षण या विस्फोट की क्रिया होती है तो इससे भी लहरों की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों, लहरें कई कारणों से उत्पन्न हो रही है और ये एक सतत प्रक्रिया है। वास्तव में ये लहरें क्या है, ये जो मैंने आपको कारण बताए, तो इसके अनुसार लहरें जल की प्रतिक्रिया है, लेकिन वास्तव में ये ऊर्जा है और ऊर्जा के कारण जल में गति उत्पन्न हो रही है। और इसीलिए जब आप सागर के तट में जैसे खड़े रहते ना तो लहरें आपको ढकेलती है या खींचकर सागर की ओर ले जाती है, तो ये उसमें इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति होती है, ये लहरों की स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से लहरों में, जैसा मैंने अभी बताया कि हवा सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है और ये हवा में हवा की गति,
हवा की दिशा या महासागर की जो दशा होती है, ये लहरों की उत्पत्ति, लहरों के विकास, लहरों का आकार, लहरों की गति, ये सब के लिए जिम्मेदार होती है। लहरों का भी अपना एक जीवन चक्र होता है। सामान्य रूप से लहरें सागर के कुछ आंतरिक का तात्पर्य कि लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र में, तटों के एकदम किनारे नहीं होती, बल्कि थोड़ा दूर पे उत्पन्न होती है, जहाँ पर हवा रगड़ खाती हुई लहरों को जन्म देती है। जब यहाँ पर लहरें उत्पन्न होती है तो ये लहरें तरुण होती है, युवावस्था में होती है, और छोटी छोटी तरंगों का जन्म होता है। धीरे धीरे ये तरंगे विकसित होती हैं, बड़ी होती है, और लहरों की तरंगों में विकास होगा, लहरों की गति में विकास होता है, और लहरों की लंबाई भी बढ़ती चली जाती है। फिर अंत में तट के पास आते आते, या कुछ लहरें सागरीय दिशा में भी चलती है, तो यहाँ पर आते आते लहरों की जो गति है ये क्रमशः धीमी होने लगती है, और कहीं कहीं पर ये लहरें तटों के पास आकर के या खुले सागर में प्रतोड़न स्थिति में आ जाती। प्रतोड़न मतलब लहर टूट जाती है। लहर यहाँ पर टूटने से इसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और इस प्रकार से लहर विलीन हो जाती या निर्मुक्त हो जाती, ऊर्जा से मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से लहर का एक जो जीवन चक्र होता है ये बहुत ही छोटा सा होता है। बच्चों, ये जो महासागरीय गतियाँ या संचलन है, इस संचलन में जब वायु या वायुदाब की प्रक्रिया होती है तो उससे भी एक गति होती है, जिसको मोहर्मी के नाम से जाना जाता है। मोहर्मी या सर्जे, ये भी एक गति है, लेकिन ये गति नियमित नहीं है। ये कुछ काल के लिए उत्पन्न होती है, जबकि लहरें या ज्वारभाटा या जलधाराएं, ये नियमित गति होती है। जल संचरण का दूसरी प्रक्रिया जो है ये कहलाती है ज्वारभाटा या टाइड, इसे कहते हैं। ज्वारभाटा क्या है? बच्चों, आपने सुना होगा कि ज्वार में पानी ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने का तात्पर्य है कि ये धरातल की ओर आगे आता है, और भाटा में पानी वापस सागर की तरफ पीछे जाता है। तो धरातल की तरफ जितना आगे आ रहा है, जितना ऊपर उठ रहा है, और भाटा में जितना पानी पीछे की ओर जा रहा है, इसकी जो बीच की स्थिति होती है, औसत स्थिति, जिसमें पानी के आगे आने की या पीछे जाने के बीच की औसत स्थिति होती है, इसे हम समुद्र तल कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि समुद्र तल में से हम विभिन्न जगह की ऊंचाइयों का अध्ययन करते हैं। तो ये समुद्र तल, समुद्र की वह ऊपरी सतह है, जहाँ से ज्वार और भाटे की बीच की स्थिति से हम फिर किसी क्षेत्र की ऊंचाई का निर्धारण कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं ये ज्वार क्या है। ज्वार चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी जब स्थल की ओर खींचता है, ज़्यादा दूर तक चला जाता है, इसमें काफ़ी ऊंचाई तक लहरें भी उठती है, तो इसे हम ज्वार कहते हैं, टाइड या ज्वार। ज्वार जितने दूर तक जाता है,
लहरें जितनी ऊंची होंगी उसे हम उच्च ज्वार कहते हैं, हाई टाइड्स कहते हैं, और जितना पीछे जाएगा भाटा की स्थिति, एब की स्थिति निर्मित होती है। लेकिन पीछे जाने पर वह कितना ज्वार का जल कितना पीछे जा रहा है तो उसकी जो सीमा होती है वह निम्न ज्वार की सीमा कहलाती है। सामान्य रूप से जो ज्वार की प्रक्रिया होती है इसको समझने के लिए देखिए, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी की क्रियाओं को आप जानते हैं बच्चों, दो प्रकार की क्रियाएं पृथ्वी में सामान्य रूप से होती है। एक पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ये कहते हैं रोटेशन, पृथ्वी अपनी कीली पर निरंतर घूम रही है। घूमने की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसे हम परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहते हैं। यह एक साल में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे हम देखते हैं बच्चों मौसम में परिवर्तन आता है, और इससे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति भी हम इसी दौरान महसूस करते हैं। तो ये पृथ्वी की गति हुई। चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसका कुल समय जो है वह लगभग 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 17.5 सेकेंड में यह पृथ्वी की परिक्रमा को पूर्ण करता है, अर्थात लगभग 27.5 हम इसे कहते हैं। इसका प्रत्यक्ष संबंध ज्वार से है। दूसरी तरफ चंद्रमा पृथ्वी के कितने पास या कितने दूर है? चंद्रमा भी पृथ्वी की भांति जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये अंडाकार कक्ष में लगाता है। अंडाकार कक्ष में जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो जो भाग पृथ्वी के निकट होता है इस भाग को उपभू कहते हैं। उपभू या पेरिगी। इस समय पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है ये लगभग 356,000 किलोमीटर होती है। जबकि जब चंद्रमा पृथ्वी से ज़्यादा दूर हो रहता है तो इसे उपभू कहते हैं। उपभू या एपोगी इसे कहते हैं, और इस समय जो दूरी है ये 4,07,000 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की होती है। तो ये दूरियां भी ज्वार को प्रभावित करती है। ज्वार कैसे आता है? जब चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, चंद्रमा अपने आकर्षण शक्ति का प्रभाव जब पृथ्वी पर डालता है तो पृथ्वी के जल को वह बाहर की ओर खींचता है, और उसके कारण जल का जो तल है वह ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसे हम ज्वार कहते हैं। ये क्रिया आप देखिए यहाँ पर कि जो भाग चंद्रमा के समक्ष है, यहाँ पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अधिक पड़ रही है और इसलिए यहाँ पर ज्वार आता है। लेकिन पृथ्वी का दूसरा हिस्सा जो चंद्रमा के विपरीत दिशा में, यहाँ पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रही है, ये चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। लेकिन
विपरीत दिशा में चंद्रमा की जो केंद्रोपसारी शक्ति है और केंद्राभिसारी, सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये जो फोर्स होते हैं, इस फोर्स के कारण विपरीत दिशा में भी ज्वार आता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के जिस दिशा में रहता है उस दिशा में वो अधिक आकर्षण कर रहा है, उस दिशा में वह अधिक अधिक आकर्षण के कारण यहाँ पर उच्च ज्वार निर्मित हो रहा है और इस उच्च ज्वार को जेनिथ भी कहते हैं। जबकि चंद्रमा के विपरीत दिशा में जो चंद्रमा का उच्च ज्वार बल्ज विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और यह जो विपरीत दिशा की जो शक्ति है, ये चंद्रमा की केंद्राभिसारी शक्ति यहाँ पर सक्रिय होती है और उसके कारण इसके विपरीत दिशा में भी उच्च ज्वार आता है, जिसे नाइदर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही जेनिथ और नाइदर, ये दो विपरीत दिशाओं वाली स्थितियाँ हैं जिसमें उच्च ज्वार महसूस किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जहाँ पर पृथ्वी का ये ऊपरी भाग और निचला भाग, जहाँ पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अपेक्षाकृत कम है, तो यहाँ पर लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। जिस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब उच्च ज्वार चंद्रमा के सामने और विपरीत, पृथ्वी के विपरीत दिशा में पड़ रहे हैं, तब ये जो ऊपर और नीचे के क्षेत्र है, यहाँ पर भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। ये जो भाटा का क्षेत्र है, इसको आप बच्चों चित्र से समझ सकते हैं कि जिस समय यहाँ उच्च ज्वार है, यहाँ पर भाटा है, पानी पीछे की ओर हट गया है और चंद्रमा जब निरंतर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो जिस जिस क्षेत्र में चंद्रमा आगे की ओर सरकता है, ज्वार की स्थिति उस तरफ चलती जाती है। बच्चों, ज्वार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी दूसरे से कोई तुलना ही नहीं हो सकती। ये निरंतर बदलती रहती है। इसमें जल की जो ऊंचाई का स्तर है, आगे बढ़ने या पीछे हटने का स्तर है, इसमें सतत परिवर्तन होते रहते हैं।